फायर सेफ्टी कोर्स की फीस क्या होनी चाहिए। आज फायर सेफ्टी कोर्स की मांग उद्योगों में बहुत ही ज़्यादा है और ऐसे में हर युवा फायर सेफ्टी का कोर्स करना भी चाहता है। इसका सबसे मुख्य कारण है कि इस कोर्स के माध्यम से युवाओं को आसानी से नौकरी प्राप्त कर लेना। महज 10वीं या 12वीं के बाद बड़ी आसानी से फायर सेफ्टी से संबंधित नौकरियाँ आज लगभग सभी जगह हैं, जैसे कि सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट, हॉस्पिटल, नगर निगम, स्टील प्लांट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इत्यादि, जैसे कई अन्य जगह और। ऐसे में युवाओं का रुझान इस क्षेत्र की तरफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। पर इस जगह पर एक सवाल आता है कि फायर सेफ्टी कोर्स की फीस क्या होनी चाहिए, जो हर विद्यार्थी के मन में होता है, जिसकी जानकारी को लेकर ही विद्यार्थी किसी भी संस्था में एडमिशन ले लेता है। भारत में कई तरह के फायर सेफ्टी कोर्स कराने वाली संस्थाएं जिनकी फीस 15-20 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपये तक। ऐसे में किस प्रकार की संस्था का चयन करना चाहिए, यह विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ा और आम सवाल बन जाता है। इन सवालों का जवाब उन संस्थानों से मिलने वाली सुविधाओं से ही पता चलता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन संस्थाओं में मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं और उनके अनुसार कोर्स की फीस की चर्चा करेंगे। अगर हम बात करेंगे कि औसतन एक वर्षीय फायर सेफ्टी कोर्स की फीस क्या होनी चाहिए, तो इसका जवाब होगा 50 से 60 हज़ार के बीच, जिसमें आपको फायर सेफ्टी कोर्स के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी और साथ ही व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, इंटरव्यू स्किल एंड रेज्यूमे मेकिंग जैसे बुनियादी क्लासेस भी मिलेंगी। ऐसे बहुत सारे संस्था हैं जो विद्यार्थियों से 80 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपये तक का सालाना फीस लेते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम में कोई भी बुनियादी सुविधाएँ नहीं। विद्यार्थियों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप अपने परिवार के इतने पैसे पढ़ाई पर लगा रहे हैं, तब आपको उसके बदले में पढ़ाई के साथ साथ हॉस्टल और मेस की भी सुविधाएं मिलनी चाहिए और दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे की कक्षाएं होनी चाहिए। साथ ही रोजाना 2 से 3 घंटों का फायर सेफ्टी प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। भारत में ऐसे बहुत ही कम चुने हुए पढ़ाई कराने वाली संस्थाएं हैं जो आपको ये सारी सुविधाएं देंगी और आपको ऐसे संस्थाओं के बारे में गूगल पर सर्च करने पर पता चलेगा। आपने देखा ही होगा कि कई ऐसे संस्था हैं जो केवल आपको दिन में 2 से 3 घंटे की पढ़ाई कराते हैं और फीस के नाम पर आपसे 60 से 80 हज़ार के बीच ले लेते हैं। ऐसे में आपका पैसों के साथ साथ 1 साल और पढ़ाई भी बर्बाद हो जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि फायर सेफ्टी कोर्स की फीस 50 से 60 हज़ार के बीच में होती है, जहां आपको दिन में 2 से 3 घंटे की पढ़ाई, साथ ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, इंटरव्यू स्किल्स एंड रेज्यूमे मेकिंग क्लासेस। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा। जैसे उदाहरण के रूप में आप टाइप कर सकते हैं या आप गूगल सर्च इंजन में टाइप करना होगा फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट इन इंडिया, उसके बाद आपको कई इंस्टीट्यूशन की जानकारी प्राप्त होगी और उसके अनुसार आप अपना फैसला ले सकते हैं। साथ ही इन संस्थाओं के फोन पे बात कर पूरी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। विद्यार्थियों को कई बार ऐसे संस्थाओं से भी फोन आता है जहां वो 15 हज़ार से 30 हज़ार के बीच में पैसे देकर 1 साल का फायर सेफ्टी कोर्स कराने की बात करते हैं और आपको यह भी विश्वास दिलाते हैं कि आपको कोई क्लास या संस्था आने की आवश्यकता भी नहीं होगी और सीधे सीधे ही आप बिना किसी मेहनत के सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। कई बार आपकी ऐसे लोगों से भी बात होती होगी जो आपको बिना परीक्षा के ही सर्टिफिकेट दिलाने की बात करते हैं। ऐसे लोग ना केवल आपके पैसे को बर्बाद करते हैं बल्कि साथ ही आपके भविष्य को भी अंधकार की ओर ढकेल देते हैं। हर विद्यार्थी का मकसद यहाँ पैसे बचाने से ज़्यादा उनके शिक्षा की ओर होना चाहिए, जिससे उनका भविष्य उज्जवल और बेहतर बने।
आपको यह ध्यान में रखना होगा कि उद्योगों में आपकी विशेषताओं, विषय की जानकारी, प्रैक्टिकल की जानकारी, कार्य क्षेत्र में सूझबूझ और आपकी जागरूकता को भी देखा परखा जाना है।